अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने अपना खाता खोला ऐतिहासिक जीत के साथ। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने एडवोकेट शिमला नायक को बनाया था अपना प्रत्याशी। आज नतीजे आने के बाद शिमला नायक ने 37,881 वोटों से जीत प्राप्त की है और अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर हुई 18 चरणों की काउंटिंग में शिमला नायक ने कुल 1,02,786 वोट प्राप्त किए हैं। वहीं भाजपा के संतोष बावरी ने 64,865 वोटों के साथ स्थान पर रही। इस सीट से 7 प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। वहीं रोहित पत्रिका के संवाददाता निशान सत्राना ने की सभी लोगों से बातचीत, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सत्राणा। इस समय हम मौजूद हैं अनूपगढ़ जिले में। कांग्रेस पार्टी का खाता खुलते ही कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ रही है। लगातार गुलाल और पटाखों के साथ जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। इस समय हम कनॉट पैलेस पे मौजूद हैं। ये देख सकते हैं पीछे तस्वीरें। इस समय जो कांग्रेसी हैं लगातार पटाखों और गुलाल के साथ जश्न मना रहे हैं। इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत होने के बाद अनूपगढ़ में कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो शिमला जी नायक ने 36,000 वोट से जीत हासिल की है, उसको खुशी को लेकर इनसे जानेंगे किस प्रकार की खुशी मना रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, आज शिमला नायक ने ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है, क्या कुछ कहना चाहोगे? अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ सहित कई जिलों में खुशियां मनाई जा रही है। बहुत बहुत खुशी है। यह अनूपगढ़ की पहली दफा जीत हुई है जिला बनने के पे। इस जिले की बधाई गहलोत साहब को देते हैं हम। जिला बनाया गहलोत साहब ने, इसलिए हमारी जीत हुई है। यह शिमला नायकनी की जीत है, जिले की जीत है, सबसे बड़ी जीत है राजस्थान में। इसके लिए बहुत बहुत बधाई जनता को, सभी को धन्यवाद देता हूँ मैं, क्योंकि जनता साथ लगी, सारी जनता ने एक मत करके दिया कि भाई गहलोत को हाथ मजबूत करने, इसलिए जिले को वोट दिए हैं। और संतोष की बहुत बहुत खुशी है। सभी कौम ने, 36 कौम ने कहते हैं वो उसने वोट दिए। 36 कौम की जीत है ये शिमला नायकनी की जीत, जो बड़ी बहुत भारी जीत है। इसके हम सभी ऋणी हैं इसके इलाके के पूरे। जैसे कि 36,000 का आंकलन, 36,000 वोटों का आंकलन, जिले को लेकर कितनी वोटें पड़ी हैं आपके अंदाजे से? जिला घोषित होने के बाद में कितने लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े? बहुत ज़्यादा लोग जिला बनाने के बाद जुड़े हैं, जो कि बहुत सारा बहुमत हमारे पंजाबी लोगों का, सरदार लोग बहुत जुड़े हैं इस पार्टी से। तो बहुत ही खुशी की बात है कि 15 साल बाद कांग्रेस यहाँ जीती है। बिल्कुल, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इतनी खुशी कांग्रेसियों में मनाई जा रही है। लगातार ढोल नगाड़े हैं, जो गुलाल हैं, पटाखों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। इस समय हम अनूपगढ़ जिले की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनूपगढ़ जिले में जो लोग हैं कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्साहित नजर आने के साथ साथ आए सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? कांग्रेस की जीत हुई है। देखो, पहले तो मैं सभी यहाँ के मतदाताओं को आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी भारी मतों से हमारे बहन शिमला जी नायक को विजय बनाए, जो कि गहलोत जी ने अच्छे काम किए उसका परिणाम है, और जिला बना के दिए हमें, उसकी सौगात गहलोत जी को हमने दे दी है। जी बिल्कुल, सौगात तो दी है। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार 36,000 का आंकलन कांग्रेस ने जीता है, तो क्या लगता था, क्या सीए लगाए जा रहे थे कि बीजेपी है जो इस बार हैवी नजर आएगी, कांग्रेस हैवी नहीं नजर आएगी, भीतरघात होगा, लेकिन ऐतिहासिक जीत हुई है? देखो, किसी ने भीतरघात नहीं किया है, अच्छी सपोर्ट है, जो मतदाता है उन्होंने अच्छा काम किया है, वर्करों ने अच्छा काम किया है, इसलिए हमारी आज पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। बिल्कुल, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँ, पहली बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे जो बूथ है ना, बूथ पर जो कार्यकर्ता है, उन्होंने दिल से मेहनत से काम किया है। घर घर में जाकर उन्होंने बताया है भी ये जो चिरंजीवी योजना का जो लाभ है वो घर घर जाकर बताया है, उसी के आधार पर ये कार्यकर्ताओं की पहली जीत है। जय हो कांग्रेस। बिल्कुल, तो लगातार मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जैसे कि अनूपगढ़ क्षेत्र में यह रहा है कि बीजेपी के विधायक रहे हैं तो कांग्रेस के ऊपर सरकार रही है, लेकिन इस बार तो फिर बीजेपी की सरकार आ रही है और कांग्रेस का विधायक बना है, कितने विकास कार्य हो पाएंगे? यह अनूपगढ़ की जनता ने बहुत अच्छा उम्मीदवार चुना है जी। बड़ा समझदारी से आम जन ने वोट दिया जी। और उम्मीदवार सबसे बढ़िया चुना है। काम कितना मानते हो गए? काम तो होंगे, क्यों नहीं होंगे, गहलोत जी ने आगे करवाए हैं, ये नया कार्यकर्ता ये भी करवाएगा जी। बिल्कुल,
तो क्या सीए लगाए जा रहे हैं, विकास कार्य तो जरूर हो गए, लेकिन अनूपगढ़ का ये स्वागत रहा है कि अगर सत्ता में सरकार बीजेपी आती है तो यहाँ कांग्रेस के विधायक बनते हैं, अगर बीजेपी के विधायक बनते हैं तो कांग्रेस में सरकार कांग्रेस की होती है। देखने वाली बात ये होगी आने वाला 5 साल किस प्रकार के रहेंगे, किस प्रकार का वर्चस्व रहेगा, किस प्रकार के सौगातें मिलेगी, ये तमाम बातों पे फिर चर्चा करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें रॉयल पत्रिका के साथ, कैमरा सौगी विनोद कुमार के साथ निशांत शरण, धन्यवाद। अपने कह सकते हैं कि सरपंच जन की ग्राम पंचायत के मुखिया भी एक तरफा लगे हुए थे कांग्रेस पार्टी को जताने में, तो ये देख सकते हैं हमारे साथ राजकुमार जी हैं जो ग्राम पंचायत के मुखिया माने जाते हैं, इनके चेहरे पर भी इस समय गलाल और कांग्रेस जीत की ओर जाने के बाद में लगातार खुशी मनाई जा रही है। सरपंच साहब मैं जानना चाहूँगा किस प्रकार की खुशी है, क्योंकि बहुत समय बाद कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोल पाई है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी इलाकावासियों को बहुत बहुत बधाई, इस बिग न्यूज है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस यहाँ से हार रही थी, लेकिन हमारा अनूपगढ़ जिला बनने के बाद इस जनता ने दिखा दिया कि अगर आप हमें कुछ दोगे तो हम उसका दुगुना करके मुड़ेंगे, तो बहुत खुशी है जनता ने, और एक तरफा जीत दी है कांग्रेस की और एक तरफा ही मोल रहा है। जैसे कि सरपंच साहब दो बार इससे पहले कुलदीप जी इंदौरा दिग्गज नेता माने जाते हैं, वो चुनाव लड़े लेकिन हारे, हार का मुंह देखना पड़ा, इस बार नया चेहरे को टिकट देते ही कांग्रेस का वर्चस्व आ गया। बिल्कुल, नए चेहरे के से भी परिवर्तन हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो चाहती है कि शिक्षित और समझदार चेहरा मिले तो ताकि जनता का विकास हो सके। शिमला जी नायक एडवोकेट कितना विकास कार्य करवाएगी 5 सालों में, क्योंकि कांग्रेस की सत्ता में अगर सरकार आती है तो काम होंगे, अगर लोगों के क्या से अगर बीजेपी नहीं आती, बीजेपी आती है और कांग्रेस का विधायक बनता है तो काम नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें पहले इतनी बड़ी सौगात मिल चुकी है कि हमारा अनूपगढ़ जिला बन चुका है, और यहाँ से विधायक कांग्रेस का बनने के बाद जहाँ का चौमुखी विकास होगा इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अनूपगढ़ आने वाले दिनों में एक मिनी चंडीगढ़ बन जाएगा। जैसे कि जब शुरुआती दौर से टिकट फाइनल होती है कांग्रेस चेहरे की, उसके बाद में कुछ सरपंचगण और कुछ अपने कह सकते हैं मुखिया अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के, वो लगातार मन तन से काम करने लगे कांग्रेस में, बूथ वाइज वोटों मांगी, तो कुछ विधायक जो आपके विपक्ष विधायक थे उन्होंने आपसे नाराजगी। बिल्कुल, क्योंकि ये एक पार्टी पक्ष चुनाव है, इसमें कोई जातिगत या व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है, इसमें हर आदमी को एक पार्टी से जुड़ना होता है, और कुछ हमारे सरपंचगण बीजेपी में जुड़े हुए थे, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जब हमें अनूपगढ़ के अंदर गहलोत साहब ने इतना कुछ दिया है, उसके बाद भी अगर कोई बीजेपी में जाता हो तो मैं नहीं मानता कि वो विकास करा पाएगा। जी धन्यवाद। बिल्कुल, तो जश्न मनाए जा रहे हैं लगातार, ये थे हमारे साथ सरपंच जो राजकुमार जी हैं, जिन्होंने बताया कि अनूपगढ़ ज़िले में तमाम तरीके की व्यवस्था और तमाम तरीके की सौगातें दी गई हैं, उसको लेकर ही लोगों ने मतदान किया है, और मतदान भी ऐसा किया है अनूपगढ़ ज़िले में 36,000 का आंकलन रहा है, जो आंकलन प्राप्त किया। हमारे साथ पुलिस प्रशासन के जवान भी हैं। सर, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, लगातार जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे मनाए जा रहे हैं, और क्या कुछ कानून की व्यवस्था क्या है? कानून की सर फुल व्यवस्था है, और सी आई साहब खुद राउंड पे हैं, अधिकारी राउंड पे हैं, सभी जवान थाने से राउंड पे हैं, और कानून व्यवस्था को बिल्कुल संभाले हुए हैं, और पहले जैसे पटाखे बज रहे थे उनको पाबंद किया, अभी पटाखे नहीं बजाओगे, ढोल सिर्फ बजा सकते हो, और डीजे पे पूरी पाबंदी है, और कानून व्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है। तो कितने जवान आज कनॉट प्लेस पे लगाए? कम से कम 20 जवान है कनॉट प्लेस पे, आरएसी का भी है, थाने का भी जाप्ता है, और सभी अधिकारी भी राउंड पे है जी। बिल्कुल, तो सुरेंद्र जी ने बताया कि जिस प्रकार पुलिस भी अपना काम उसी तरीके से कर रही है, क्योंकि शांतिपूर्वक चुनाव हुए और शांतिपूर्वक ही नतीजे आए, और विधायक बना दिया गया है, जनता ने अपना क्षेत्र का विधायक बनाने के बाद सत्ता की चाबी दे दी है, लेकिन देखना ये होगा किस प्रकार वर्चस्व रहेगा, क्या काम होंगे, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे फिर। तब तक आप जुड़े रहे रॉयल पत्रिका के साथ, कैमरा सौगी विनोद कुमार के साथ निशांत सत्रण, धन्यवाद।